फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के सॉन्ग को लेकर आई बड़ी खबर। रामचरण, पूजा हेगड़े और वेंकटेश संग सलमान दिखेंगे इस अंदाज में। हर दिन अपने धमाकेदार फिल्मों को लेकर खबरों में छाए रहने वाले सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, फिल्म के लंबे इंतजार के बाद अब फिल्म से जुड़े एक जबरदस्त सॉन्ग को लेकर बड़ी खबर जानने को मिली है। कभी ईद कभी दिवाली में सलमान खान का साउथ एक्टर्स के साथ एक फुल्ली मैसिव सॉन्ग होने वाला है। बताया जा रहा है कि यह सॉन्ग शाहरुख खान का सॉन्ग लुंगी डांस की तरह कोरियोग्राफ किया जाएगा और इस सॉन्ग में सलमान खान, रामचरण, वेंकटेश, पूजा हेगड़े और पलक तिवारी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इस सॉन्ग को 4 भाषाओं में बनाया जाएगा और इस सॉन्ग में साउथ के मशहूर म्यूजिशियन देवीश्री प्रसाद ने म्यूजिक दी है। सॉन्ग के कोरियोग्राफर की बात करें तो इस सॉन्ग को जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म में सलमान साउथ एक्टर्स के साथ क्या कमाल दिखाते हैं। इस सॉन्ग में सलमान खान साउथ एक्टर रामचरण, पूजा हेगड़े और वेंकटेश के साथ ठुमके लगाते नजर आएंगे। बात करें अब इनकी फिल्म की तो फिलहाल सलमान खान इन दिनों अपनी इस फिल्म को लेकर काफी बिजी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सलमान खान किसी भी हाल यह फिल्म को जल्द से जल्द शूट करने के मूड में हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि फिल्म को इसी साल के अंत तक रिलीज किया जाए। इस फिल्म में सलमान पूजा हेगड़े के साथ नजर आने वाली हैं और यह पहली बार होगा जब सलमान पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नजर आएंगे। पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में वेंकटेश, शहनाज गिल, पलक तिवारी, सिद्धार्थ निगम और राघव जुवाल जैसे कलाकार भी अहम किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों, फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के अलावा सलमान खान टाइगर 3 और नो एंट्री में एंट्री जैसी फिल्मों को लेकर भी काफी सुर्खियों में हैं। इन फिल्मों में सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी और साउथ एक्ट्रेस समंता रूथ प्रभु, तमन्ना भाटिया और फिर एक बार पूजा हेगड़े के साथ नजर आ सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हो सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के इस धमाकेदार सॉन्ग को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साइड में भाई, साइड में आ जा।